ये तो अब तक बहुत बार इस टाइम आए आ गया था है कोरोना वायरस, नीचे रहते हैं क्योंकि भारी है सब कुछ है ना। मेरा एक फ्रेंड भी मुझे भेज देते हैं कोरोना वायरस नीचे रहते हैं क्योंकि वो बहुत भारी है। मैंने बोला हाँ वो थप थप करके जाते हैं। तो ऐसे हम लोग बहुत बार डर झेलेंगे तो कोरोना वायरस नहीं होगा हम लोग है क्या? प्लीज मत जाइए। तो ये भी एक स्टेप है
अभी आप जो बोले हैं क्रिटिकल थिंकिंग को हम लोगों को बनाना है, हम लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, ये सब कुछ हमारे एक स्टेप के अंदर ही है। और उसके साथ साथ हम लोगों को क्या डेवलप करना है, हम लोगों का स्टेप जो माइंड सेट है, हम लोग हर एक चीज को मतलब अगर स्टेप के साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली इंजीनियरिंग के पास पर्पज से और मैथमेटिक्स के पर्पज में देखेंगे तो हम लोगों के अंदर भी एक स्टेप माइंड सेट डेवलप होगा। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेवलप होगा और हम लोग छोड़ देंगे एक हो जाएगा। हम लोग हर कुछ चीज में बोलते हैं हेड हार्ट एंड हैंड, है ना। हम लोग सुनते हैं, हेड में लेते हैं, उसके बाद हार्ट में लेकर समझते हैं चीज को, और अगर हैंड में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस काम का कोई वैल्यू नहीं है। तो एक हेड हार्ट एंड हैंड का कॉम्बिनेशन इन तीनों होना चाहिए। अगर कुछ सीख रहे हैं, अगर कुछ जान रहे हैं, उसको पहले हम लोगों को इस्तेमाल भी करना चाहिए। नहीं तो एक स्किल ऐसे स्किल हम लोगों जैसा होता है, स्किल डेवलप नहीं होता है क्योंकि हम लोग उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर एक चीज को हम लोग जितना तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। उसके साथ साथ और क्या है, हम लोग कैसे पीपल को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं स्टेट माइंड सेट में, सॉरी स्टेट माइंड सेट में हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी स्टेप लगता है कोई बड़ा स्कूल का कोई काम है, ये छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं। लेकिन छोटे से छोटे बच्चे क्या बड़े से बड़े लोग भी ये स्टेप का काम कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग ये सभी के अंदर ये डेवलप करेंगे, और क्या है कैसे हम लोग स्टेप माइंड सेट को बहुत सिंपल तो सिंपल वर्ड से, जैसे मैम ने बताया क्या है स्टेम माइंड से, ऐसे हम लोग बहुत सिंपल वर्ड से हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेम माइंड से के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, अगर हम लोगों के इधर स्टेम माइंड से हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, सभी सबसे पहले हम लोगों को एक चीज का एक्सेस चाहिए, है ना। तो अगर स्टेम लैब नहीं है, स्टेम का ये नहीं है, सिखाने का कोई टीचर नहीं है, तो स्टेम होगा, बच्चे खुद कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को गाइड करना तो पड़ेगा, किसी ना किसी को गाइड करना पड़ेगा। तो एक्सेसिबिलिटी सबसे जरूरी है, एक्सेसिबिलिटी हम लोगों को हर एक चीज का एक्सेसिबिलिटी चाहिए। उसके बाद उनका अवेलेबिलिटी भी चाहिए, अगर मैं बोल रही हूँ स्टेप का सब कुछ मैं कर रही हूँ, वो अवेलेबल है बच्चे के लिए, अवेलेबल है वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा स्टेप वाइज के लिए। और जो उनका राइट है, जो उनका ड्यूटी है, ये सब कुछ एक बच्चे को एक बच्चे के अंदर लेकर आना है, तो बच्चे को देना भी चाहिए। अगर बहुत कुछ राइट है जो उनको मिलना चाहिए, और उनके साथ साथ बहुत कुछ ड्यूटी भी है उनको निभाना चाहिए, तो ये सब कुछ हम लोगों को उनके अंदर लेकर आना है। और वो कैसे एक अच्छा सुंदर हम लोगों को ये सोसाइटी बनाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये हम लोगों को हर टाइम जैसे हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने अभी बोलते हैं, अरे लोगों के अंदर मॉरल नहीं है, अभी बहुत लोग बोलते हैं ना मॉरल नहीं है, आप ही का बच्चे को मॉरल नहीं है अंदर, मॉरल तो ऐसे नहीं आएगा ना, हम लोगों को उन लोगों को सिखाना पड़ेगा, वो लोग सीखेंगे हर तरीके को प्रैक्टिस करेंगे तो तभी वो मॉरल सेंस आएगा। तो मॉरल सेंस जब आएगा उसके बाद हम लोग मेरा सोसाइटी में जा सकते हैं। और उसके साथ साथ और एक चीज है, हम लोग कैसे एक लड़की खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हर एक चीज से, हम लोग प्रिवेंशन बोलते हैं और प्रोटेक्शन बोलते हैं, तो प्रिवेंशन भी हम लोग कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ हुआ है तो कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक स्टेट माइंड सेट में लेकर आना पड़ेगा।
तो स्टेट सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट में नहीं है और हर एक चीज में हम लोग का स्टेट हम लोग देख सकते हैं। बच्चे के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आना, लाइफ स्किल ले आना, जो 21st सेंचुरी का सेंचुरी का जो स्किल डेवलपमेंट है इसमें सबसे जरूरी चीज है लाइफ स्किल लेकर आना। ये सब कुछ अगर बच्चे के अंदर आएगा